फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आज हम बात कर रहे हैं बजट को लेकर, और ख़ासतौर से इस बजट से जो बाजार है उसकी किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या कुछ होना चाहिए, इसको लेकर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ विवेक बजाज जी मौजूद हैं, जो कि सह संस्थापक हैं, स्टॉक एज और शेयर बाजार विश्लेषक हैं। साथ ही नरेंद्र वाधवा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी स्टॉक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले यहाँ नरेंद्र जी आपके पास भी मैं आना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि उम्मीदों को लेकर, और जो बजट है जाहिर तौर पर काफ़ी उम्मीदें पूरी करता है, लेकिन बाजार की किस तरह की उम्मीदें आप देखकर चल रहे हैं? हाँ नमस्कार जी। देखिए बजट कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपना 7th बजट प्रेजेंट करेंगी, जी क्योंकि ये इलेक्शन ईयर था। उन्होंने अपना एक इंटरिम बजट भी पहले प्रस्तुत किया था, उसके अंदर काफी डायरेक्शन बताई थी, लेकिन जो इलेक्शंस के अंदर जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात करी थी, तो मेरे को लगता है वो रिफ्लेक्ट होगी जो कल बजट आएगा। इकोनॉमी हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है, वो उसके अंदर फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर काफी जोर रहेगा। रूरल एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा उनका मुद्दा है जो कि कल के बजट में दिखेगा। एज ए मार्केट हम चाहते हैं कि मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें ज्यादा हमारी विश लिस्ट है कि ज्यादा ट्वीक ना किया जाए, बट जो बात समझ में आ रही है, हमारा रेगुलेटर भी और मिनिस्ट्री की तरफ से भी बातें आ रही हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा कैपिटल गेन्स के अंदर थोड़ी ट्वीकिंग जो है वो हमारे को एक्सपेक्ट करते हैं। पर्सनल टैक्सेशन के अंदर भी मेरे को लगता है थोड़ा सा लिमिट बढ़ेगी, बट गवर्नमेंट का जो कल मिनिस्ट्री बजट आएगा उसमें जोर जो है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रहेगा, और MSME, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर डिस्कशन हो। जी बिल्कुल। साथ ही विवेक बजाज जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो बजट आने वाला है, इसमें किस तरह की उम्मीदें बाजार को? बजट देखिए, एनवायरनमेंट सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। लास्ट ईयर चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, या मार्केट के सिचुएशन की बात करें, US मार्केट की बात करें, लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिफॉर्म्स, जो थॉट प्रोसेस है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पे जो एक्शंस गवर्नमेंट लेती आई है वो कंटिन्यू रहे, बट मुझे लगता है कि इस साल कुछ डिफरेंट होने वाला है। डेफिनेटली इंटीरियर ऑफ इंडिया, रूरल इकोनॉमी जो कि स्ट्रगल कर रहा था, और अब शायद उसी का इम्पैक्ट इस बार इलेक्शन रिजल्ट में भी दिखा है, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उधर की तरफ, जैसा कि हमारे जो दूसरे गेस्ट उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, उस पर इस बार डेफिनेटली कुछ आना चाहिए। और क्योंकि स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दिया, स्पेशली जो वेल्दी सेगमेंट है मार्केट का, उन्होंने काफ़ी वेल्थ क्रिएट किया स्टॉक मार्केट से, तो मैं चाहूँगा तो नहीं, बट मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा एक्शन डेफिनेटली आएगा कि वो उस सेगमेंट पे थोड़ा सा नेगेटिव होएगा, और जो मास है जहाँ से डिमांड जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से डेफिनेटली कुछ डिमांड इंक्रीज करने के इनिशिएटिव्स ले जाएंगे। जी बिल्कुल। खासतौर से नरेंद्र जी, क्योंकि जो रोज़गार के जब अवसरों की हम बात कर रहे हैं कि उम्मीद पूरी जताई जा रही है, लेकिन ख़ासतौर से अगर जब हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं, वहाँ पर किस तरीके से आपकी उम्मीदें हैं, जो बजट आवंटन है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है? कि हमारे दो तीन सेक्टर्स जो हैं जिसमें फोकस रहा है गवर्नमेंट का जी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना डिफेंस और रेलवेज। तो मेरे को लगता है इस बार के बजट के अंदर भी यही सेक्टर्स जो हैं, और इसके अंदर काफी चर्चा होगी और इसके अंदर काफी प्रावधान किए जाएंगे, काफी एलोकेशन होगी इन सेक्टर्स के अंदर जी। दूसरी चीज, ये MSME सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट काफी जनरेट होती है, तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी फोकस रहने वाला है। मुद्रा योजना के अंदर भी काफी बात हो रही है कि इसके अंदर जो प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना है उसकी जो लिमिट है वो 20 लाख तक की करी जाएगी, और जो गारंटी स्कीम थी उसको भी 2 करोड़ से 5 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है। तो ये सारे मूव जो हैं काफी अच्छे हैं, हमारी जो पोजिशनिंग है इकोनॉमी की जी। तो, और 8.2% की जो ग्रोथ रेट है उसको सस्टेन करने के लिए ये सारी चीजें लाई जाएंगी इस बजट के अंदर। हमारी एक्सपेक्टेशन एक और ये है कि जो ये सोलर के अंदर जो पीछे डिस्कस हुआ था रूफटॉप के अंदर, इसके अंदर भी सब्सिडी आएगी जी। और अल्टरनेट एनर्जी जो है उसके ऊपर
काफ़ी एलोकेशन आने वाले। जी चलिए, बिल्कुल उम्मीद यही है कि अलग अलग क्षेत्रों में भी जो विकास की बयार है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं और किस तरीके से लगातार जो बजट पेश किया जाएगा उसको ले